घुटन का माहौल खत्म होने वाला है। अफगान अमन मुहिदे से कारोबार की नई राहें खुलेंगी। 15 माह में हमारी नाकामी का रोना ना रोएं। 5 साल बाद अवाम खुद फैसला करेंगे। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का सवाबी में जलसा आम से खिताब। वजीर आला KPK महमूद खान ने कहा कि वजीर आजम माजी की हुकूमतों का फैलाया गंग साफ कर रहे हैं। मस्नूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अफगानिस्तान में हमारी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। अफगानिस्तान में अमन की वजह से इस मुल्क में तरक्की आएगी, रोजगार की नई राह खुलेंगे और इंशाल्लाह हम अमेरिका के साथ बिल्कुल वाजे बात करेंगे कि जब ये सेटलमेंट हो तो पाकिस्तान के लिए जो राहदारी हो सेंट्रल एशिया तक और तेल की राहदारी उसमें जो कोई कदर न हो। जो इस वक्त घुटन का माहौल है, जो इस वक्त थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है, ये इंशाल्लाह ताला ये सिचुएशन खत्म होने वाली है। इंशाल्लाह ताला हम नई राहें अफगानिस्तान के साथ कारोबार के और सेंट्रल एशिया के साथ खोलेंगे। हमने खैबर पख्तूनख्वा में डिलीवर किया और हमें 2/3 अक्सरियत से वोट मिले। इंशाल्लाह ये 5 साल हम गुजारेंगे और इसके साथ साथ इंशाल्लाह आइंदा 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी इंशाल्लाह, और वो आपके ताउन से होगी। हम परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह उसकी बदौलत हम वोट लेंगे। सारी उंगलियां हमारी तरफ कहते हैं जी ये उनके कारनामे है, ये हमारे कारनामे नहीं है, ये उन लोगों के कारनामे है जिन्होंने इस मुल्क को बेदर्द से लूटा। और ये मैं उनसे बर्मला कहना चाहता हूँ कि जो आपका गंदा वो अब इमरान खान साफ करने जा रहा है।